हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सफ़ीर रहमान और आप लोग देख रहे हैं आइए जानते हैं यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कोर्स 504 असाइनमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ और साथ ही कोर्स 504 असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कोर्स 504 असाइनमेंट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस 2 का आंसर। तो अगर अभी तक आप लोगों को कोर्स 504 असाइनमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और साथ ही कोर्स 504 असाइनमेंट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके कोर्स 504 असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 का जो 1 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर का आंसर है वो आंसर आप ले सकते हैं। साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चंस का अगर आप लोगों को आंसर चाहिए तो एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर आप ले सकते हैं। और साथ ही और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉमेंट करके ये भी बताया था कि हमारे एग्जाम कब होंगे। तो आप लोगों का जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है। नियोस ने ये जानकारी दी है कि आप लोगों के जो एग्जाम है वो एग्जाम 27, 28 और 29 अप्रैल को होगी। आप लोगों के जो एग्जाम डेट है ये एग्जाम डेट फिक्स है तो इस डेट में ही आप लोगों के एग्जाम होगी। तो आप अच्छी तरह से आप लोगों की जो फ्राई है वो फ्राई आप अच्छी तरह से कर लीजिए क्योंकि वक्त बहुत ही कम है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कोर्स 504 असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो सबसे पहले प्रश्न जो था आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं कि माप संबंधित संख्याओं में बच्चे द्वारा किए गए सामान्य गलतियों को समझाओ, ऐसे गलतियाँ को सुधारने के लिए सीखने की गतिविधियाँ का सुझाव करें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये सुझाव करे होगा, यहाँ पर पीडीएफ में ये नहीं निकला है। तो आप इसका आंसर जो है मैं ऊपर स्क्रॉल करता रहूँगा क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन पढ़ूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, बहुत ही लेंदी हो जाएगी। तो मैं धीरे धीरे ऊपर स्क्रॉल करता रहूँगा, ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने सारे वर्ड है सारे वर्ड बहुत ही छोटे छोटे हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप एक से दो स्क्रीनशॉट लेके सारे क्वेश्चंस का आंसर आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ऊपर स्क्रॉल करता रहूँगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। साथ ही और एक बात, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा फ्री में मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के आंसर के लिए। तो क्वेश्चंस के आंसर मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा।